सत्संग के वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद है। सत्संग के वचन वाणी कबीर साहेब जी की। कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है, कबीर साहब का शब्द है। आप फरमाते हैं कि ये जो शरीर है, रूह या आत्मा के रहने का महल है। फिर कहते हैं कि ईश्वर परमेश्वर, ब्रह्म पार ब्रह्म, खुद खुदा भी इसके अंदर है। बाहर ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। बाहर क्या है? कागज, पत्थर और पानी। तीर्थों पर पानी है, मूर्तियां पत्थर से बनी हुई हैं और किताबें कागज की हैं, और तो कुछ नहीं। लेकिन जो ग्रंथ पोथियां, वेद शास्त्र हैं, ये सारे नाम की महिमा करते हैं। किताबों में नाम की महिमा है, उनमें नाम या परमात्मा खुद नहीं। वो तो तुम्हारे अंदर है, वो जब भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। अब कहते हैं कि तुम इस शरीर रूपी महल में दाखिल हो जाओ, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अंदर आंखों से ऊपर चढ़ो और उसके प्रत्यक्ष दीदार करो। काम क्रोध मद लोभ बिसारो, सील संतोष क्षमा सत धारो, कहते हैं कि अगर अंदर जाना है, उससे मिलना है, तो पहले अपने दिल को साफ करो और ये चीजें छोड़ दो। यानी सबसे पहले काम को छोड़ दो, क्योंकि कामी पुरुष अंदर नहीं जा सकता। काम और नाम की दुश्मनी है। जिस हृदय में काम है, वहां नाम असर नहीं करता। नाम हमें ऊंचे रूहानी मंडलों पर ले जाता है, जबकि काम में रूह नीचे गिरती है और क्रोध में रूह फैलती है। इसलिए हमें क्या करना है? एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन से रूह को समेट कर ऊपर ले जाना है। इसलिए क्रोध भी छोड़ दो। अगर अहंकार है तो भी रूह अंदर नहीं जा सकती। इसी तरह लोभ और मोह भी छोड़ दो, क्योंकि ये भी रूह के अंदर जाने में रुकावट डालते हैं। फिर क्या करो? काम की जगह शील से काम लो, क्रोध के बदले क्षमा से काम लो, लोभ के बदले संतोष और मोह के बदले विवेक से काम लेना शुरू कर दो। इसी तरह अहंकार के बदले दीनता अपना लो। दूसरे माने में असुरी संपदा छोड़ दो और दैवी संपदा ले लो। यानी जो सहायक शक्तियां हैं उनको ले लो और जो विरोधी शक्तियां हैं उनको छोड़ दो। मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है, कहते हैं शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। इन तीनों को छोड़कर फिर अंदर जाओ। अगर इन तीनों में से एक भी चीज है तो रूह अंदर नहीं जा सकती। धोती नेती बस्ती पाओ, आसन पद्म जुगत से लाओ, आंखों से नीचे नीचे संतों का अपना मार्ग नहीं। आई समझ? ये कबीर साहब इसलिए कह रहे हैं कि कोई ये ना कहे कि संत आंखों से ऊपर चले गए, नीचे का उन्हें पता ही नहीं है। दूसरे लफ्जों में वे ऊपर ही नहीं गए। गुरु नानक देव जी और अन्य संतों ने गैर जरूरी समझते हुए नीचे का हाल बयान नहीं किया है, मगर कबीर साहब ने नीचे और ऊपर दोनों का हाल बयान किया है। याद रखने वाली बात यह है कि आंखों से नीचे के आसन करने वाले महात्मा नीचे रह जाते हैं और उनके सेवक भी नीचे ही रह जाते हैं। अब कबीर साहब हठ योग के तीन साधनों का वर्णन कर रहे हैं, धोती, बस्ती और नेति। धोती में करीब 3 अंगुल चौड़ा और 8-10 हाथ लंबा मलमल का कपड़ा लेकर पानी में भिगोकर निगल जाते हैं
और थोड़ी देर रुकने के बाद वापस बाहर निकाल देते हैं। इससे आंतों की मैल दूर हो जाती है। बस्ती कहो या अनीमा, इसमें नीचे से पानी चढ़ाकर वो खाना जो पखाना बन चुका है बाहर निकाल देते हैं। अब अंदर कोई मैल नहीं रही। नेथी क्या, एक रेशम का डोरा होता है, उस पर मोम लगा लेते हैं। वो नाक के एक सुराख से चढ़ाकर उसका सिरा मुंह के बीच में से निकाल लेते हैं। इससे जो दिमाग की बलगम होती है निकल जाती है। अब योगी प्राणायाम शुरू करते हैं। क्या, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक श्वास का भरना, कुंभक ठहराना और रेचक खाली करना है। अब 8 किस्म का कुंभक और 8 ही किस्म का रेचक है। इनका अपना अपना हिसाब होता है और फिर इसे बढ़ाते चले जाते हैं। कई कई घंटे श्वास नहीं लेते। कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। कहते हैं योगी मूल चक्र पर बैठकर पद्मासन लगाकर सांस भरते, ठहराते और खाली करते हैं। पद्मासन ये है, एक पैर उठाकर दूसरे पर और दूसरे पैर को पहले पर रखकर आलथी पालथी मारकर बैठ जाना। फिर तवज्जह यानी ध्यान कहाँ रखते हैं, मूल चक्र में। मूल चक्र गणेश चक्र को कहते हैं। मूल कंवल दल चतुर खानो, क्लिंग जाप लाल रंग मानो, मूल चक्र या गुदा चक्र 4 दल का कमल है। यहां योगी कलिंग कलिंग का जाप करते हैं। गुदा चक्र का वर्ण यानी रंग लाल है, यानी यहां की जो रोशनी है वो लाल है और जो देवता या मालिक है वो गणेश है। देव गणेश तहां रूपा थानो, रिद्ध सिद्ध चंवर ढुलारा है। जब मूल चक्र को पार कर लो तो रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां आ जाती हैं। हिंदुओं में जैसे ये कहा जाता है कि पहले गणेश की पूजा कर लो, ये मुख्य पूजा है। इसका अर्थ है कि अगर गणेश की पूजा करो तो मनोरथ सिद्ध यानी पूरे हो जाते हैं। अब पंडित तो कहते हैं कि गणेश की पूजा करो, मगर होता क्या है, उधर दुकान खोलनी है और इधर पूजा भी करनी है। क्या करते हैं, कहते हैं बुलाओ पंडित जी को। वो पंडित जी मूर्तियां ले आते हैं। अगर मूर्तियां नहीं लाते हैं तो गुड़ की दली पर धागा लपेट लेते हैं, पूजा हो गई। जब दुकान खोली वो चली नहीं तो कहते हैं कि जी पूजा तो की लेकिन बना कुछ नहीं। बने क्या, पूजा की या क्या किया। असली पूजा तो प्राणायाम करके अंदर जाना और गणेश जी के दर्शन करना था, वो किया नहीं, फिर मिले क्या। गणपति के दर्शन करने से रिद्धियां सिद्धियां हासिल हो जाती हैं और उनकी बदौलत दुनिया की चीजें मिल जाती हैं। ये जो रिद्धियां सिद्धियां हैं ये करामाते हैं, संतमत वाले इधर नहीं जाते। जो रिद्धियों सिद्धियों वाले महात्मा हैं उनके पास क्या होता है, कोई पुत्र देता है, कोई धन देता है, कोई। जो संतों के सत्संगी हैं वे इन चीजों को नहीं छेड़ते, ना ही वे संतों से करामाते मांगते हैं। संतों से करामाते मांगना बेवकूफी है। स्वाद चक्र षट दल विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो। जब यह मूल चक्र पार हो जाता है तब आते हैं इंद्रिय चक्र में। इस चक्र को पार करने वालों का अपना अपना हिसाब होता है। कोई 50,000 माला फेरता है, कोई 1,00,000, किसी का 1,50,000 का सुमिरन होता है। अब कहते हैं कि स्वाद चक्र का रंग श्याम या नीला है। गणेश चक्र में पृथ्वी का तत्व है, इस जगह पानी का तत्व है। यहां 6 दल का कमल है। इसके मालिक ब्रह्मा और सावित्री हैं। जिस ब्रह्मा को मुसलमान मैकाइल कहते हैं, जो दुनिया को पैदा करता है,
उल्ट नागिनी का सिर मारो। तहां शब्द ओंकारा है, यहां पर बैठकर योगी ओम ओम का जाप करते हैं, लेकिन वहां वो ओम शब्द नहीं जो नाम की शक्ति है, बल्कि वो इन छह चक्रों में है ही नहीं। इन छह चक्रों में जाप ही जाप है। यहां पर एक रग है जिसको कुंडलनी कहते हैं। योगी इसको मेरुदंड, जिसको स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, से जोड़ते हैं। नाभि अष्टकंवल दल साजा, सेत सिंहासन विष्णु बिराजा। नाभि में आठ दल का कमल है जिसका प्रकाश सफेद है और उसका मालिक विष्णु है। अब जो लोग कहते हैं कि विष्णु सृष्टि को पालता है, ठीक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो खाना पेट में जाता है उसका रस निकलकर ताकत बनती है। यहां पर नसें होती हैं, कोई नस हाथ की ओर जाती है, कोई कान की ओर, कोई नाक की ओर, कोई आंख की ओर, कोई किधर कोई किधर। उनके जरिए सारे शरीर को ताकत मिलती है। ये ताकत कहां से मिलती है? नाभि से, विष्णु से। सो ये विष्णु हमारी सेवा के लिए है। अगर मुसलमान नहीं पूजते तो क्या वो सेवा नहीं करता? अगर ईसाई नहीं पूजते तो क्या वो सेवा नहीं करता? जरूर करता है। आत्मा यहां दोनों आंखों के पीछे बैठी है और ये विष्णु बहुत नीचे बैठा है। हृंग जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। यहां पर योगी हिरिंग का जाप करते हैं। नाभि का कमल कहां से ताकत लेता है? हृदय कमल से। हृदय कमल का मालिक कौन है? शिव और पार्वती। इंसान उल्टा पेड़ है। इसकी जड़ कौन है? दिमाग। आदमी की रूह दिमाग से उतरकर सारे शरीर में फैलती है, फिर अभ्यास द्वारा सिमट कर दिमाग में चली जाती है। नाभि का चक्र शिव और पार्वती से ताकत लेता है। द्वादश कंवल हृदय के माही, जग गौर शिव ध्यान लगाई। हृदय में बारह दल का कमल है, ये प्राणों का भंडार है। यहां का स्वामी शिव है। जिस तरह गणेश पृथ्वी के तत्व का मालिक है और ब्रह्मा पानी के तत्व का मालिक है, इसी तरह शिव प्राणों के भंडार का मालिक है। सोहं शब्द तहां धुन छाई, गान करें जय जय कारा है। कहते हैं इस जगह बैठकर योगी सोहंग सोहंग का जाप करते हैं। वेदांती भी सोहंग सोहंग का जाप करते हैं। इसको सोहंग का जाप कहते हैं, यानी ओम और सोहंग का जाप करना। मैं भी सोहंग का जाप करता रहा हूं। षोडश दल कमल कंठ के माही, तेही मध बसे विद्या बाई। कंठ में सोलह दल का कमल है। इसकी मालिक अष्टांगी यानी शक्ति है, लेकिन संत से अविद्या कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव की मां है। ये तीनों इससे ताकत लेते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु से ताकत लेता है, विष्णु शिव से और शिव अष्टांगी से। इस तरह ये तीनों ही अष्टांगी से ताकत लेते हैं। हरि हर ब्रह्मा चंवर ढुराई,
जहाँ सिंह नाम उचारा है। ब्रह्मा विष्णु और शिव इससे ताकत लेते हैं और चमर ढुलाते हैं। इसको अष्टांगी देवी कहते हैं। यहाँ का जाप श्रृंग है। तापर कंज कंवल है भाई, बग भौरा दोए रूप लिखाई, निज मन करत तहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है। दोनों आंखों के बीच में कंज कमल है, इसको हम दिव्य चक्षु कहते हैं। यहां पर मन और आत्मा रहते हैं, मगर यहां मन और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं। यहां आत्मा पर्दों में ढकी हुई है। इसके नीचे नीचे योगियों का मार्ग है, इसीलिए संत अपने सेवकों को इससे नीचे नहीं ले जाते। एक तो इसके नीचे कुछ कीमती जौहर है नहीं, दूसरे काफी साल लग जाते हैं। इस जमाने में इतनी उम्र है नहीं और ना कोई इतना वक्त दे सकता है। तीसरा, इसमें ख्याल नहीं लगता, अगर लगता है तो बहुत देर से। चौथा, अगर ख्याल लग भी जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत संत मत में आसानी है, एक मिनट में जाओ और दूसरे मिनट में आ जाओ। लेकिन कब? जब सुमरन का कोर्स पूर्ण हो जाए, कुछ तकलीफ नहीं होती। हमारे स्त्रियों और पुरुषों का जब ख्याल सिमट जाता है तो उनके संबंधी या साथियों के पूछने पर मैं कहता हूं कि इनको पड़े रहने दो, घंटे दो घंटे के बाद खुद ही उठकर बैठ जाएंगे। अगर ना उठें तो रगों को मल दो जो गर्दन के पीछे लगी हुई हैं, फिर वे फौरन उठ बैठेंगे। मगर प्राणायाम में ये बड़ी भारी तकलीफ है। अगर अभ्यासी का ख्याल लग जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। अब कहते हैं कि दोनों आंखों के बीच में जो स्थान है उसको अष्टदल कमल भी कहते हैं। कंवलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, शरीर के चार हिस्से हैं, पिंड अंड ब्रह्मांड और सचखंड। दोनों आंखों तक पिंड है, इसके ऊपर अंड ब्रह्मांड और सचखंड हैं। ब्रह्म तक प्रलय होती है और सोहंग तक महाप्रलय होती है। सचखंड वो देश है जहां न प्रलय होती है और ना ही महाप्रलय। जो ब्रह्म की मुक्ति है वो बेशक युग पर्यंत है, मगर क्या हुआ अगर लाखों साल बाद भी आना पड़ा। इसके विपरीत जो संतों की मुक्ति है वो हमेशा के लिए है, इसलिए संत उस मुक्ति को मांगते हैं और अपने सेवकों को भी दिलाते हैं। जो छह चक्र हैं ये पिंड देश में हैं। अब कबीर साहब ऊपर का यानी अपना मत बयान करते हैं। सत्संग कर सतगुर सिर धारा, वह सतनाम उचारा है। जब हम सतगुरु की संगति में गए उसने बताया कि तुम्हारा देश सचखंड है। अब योगियों की आखिरी हद यहां से छठे चक्र तक है। कोई कोई योगीश्वर ब्रह्म तक गया है, सो जो योगियों की आखिरी हद है वहां से हमारे संत मत की हद शुरू होती है। हमारी मंजिलें ऊपर हैं। यहां पिंड देश में स्थूल शरीर और स्थूल माया है, सहस्रदल कमल में सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म माया है, ब्रह्म में कारण शरीर और कारण माया है। मन भंवर गुफा तक सूक्ष्म महासूक्ष्म हो जाता है लेकिन वश में नहीं आता, फिर नीचे गिरा देता है, धोखा दे देता है। सतगुरु का उपदेश है कि इस भंवर गुफा से ऊपर आ जाओ। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ,
संतों का मत यह है कि जब यहां दोनों आंखों के बीच बैठकर अभ्यास करोगे तो सारी चेतन सत्ता शरीर से निकलकर ऊपर मस्तक में आ जाएगी, शरीर मुर्दा हो जाएगा। हमें प्राणों को नहीं लेना है, योगियों ने लिया है। मन और आत्मा तो पहले ही जुड़े हुए हैं, योगियों ने प्राणों को भी साथ ले लिया, मगर प्राण चिदाकाश से आगे नहीं जाते। प्राण अपना काम करें, हमें उन्हें छोड़ देना है। अगर हम इस तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं, तो हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक है? कोई नहीं। ये शरीर एक मिट्टी की ढेरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आंख खोली तो दुनिया से ताल्लुक हो गया, जबान खोली तो बोले, कान खोले तो सुनना पड़ा। अब कहते हैं आंखों की तवज्जह, कानों की तवज्जह और बोलने की तवज्जह तीनों को काट दो, यानी जो बाहर जाते हैं उनको अंदर ले आओ और अनहद शब्द को सुनो जो सदगुरु बताता है। दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। जब हम अभ्यास करेंगे, दोनों आंखों की ज्योति तीसरी आंख में आ जाएगी। सुमरन से सुरत को अंदर ले जाओ, अंदर तीसरी आंख में प्रकाश हो जाएगा। कई असलियत से बेखबर मजहब वाले आंख की रोशनी को देखते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि नाक के अग्रभाग को देखो, रोशनी आ जाएगी, लेकिन वो रहनुमाई नहीं करेगी। कई सत्संगियों को अपनी शक्ल दिखाई देती है। मैं कहता हूं कि खबरदार, उसका ध्यान नहीं करना। वो अपना स्वरूप बहुत रोशनी देता है, जो भी देखता है कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं, और वहीं रह जाता है। वेदांतियों की हद यहीं तक है। कोई कोई ब्रह्म तक गया, मगर कह उठा अहम ब्रह्मास्मि। वेदांत के तीन स्टेशन हैं, नेत्र, हृदय और कंठ। वेदांति तो सूक्ष्म देश सहस्तल कमल में भी नहीं गए, मगर कहते हैं कि हम ब्रह्म हैं, हमारे सिवाय और कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर एक मजदूर कहता है कि मैं बादशाह हूं, तो वो बादशाह तो नहीं बन जाता। इसी तरह ब्रह्म कहने से आदमी ब्रह्म तो नहीं हो सकता। जो व्यास, वशिष्ठ जैसे योगीश्वर ज्ञानी हुए हैं, उन लोगों की चढ़ाई थी। आजकल के बहुत से नए वेदांति ना अभ्यास करते हैं ना चढ़ाई, जबानी कह देते हैं हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, मन को तो काबू नहीं करते। सो कहते हैं जब दोनों आंखों की रोशनी तीसरी आंख में आ जाएगी, तब अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी। संतों की शिक्षा तीसरे तिल से शुरू होती है। चंद सूर एक घर लाओ, सुषमन सेती ध्यान लगाओ। पहले रोशनी आएगी, फिर सूरज और चंद्रमा आएंगे। इसके आगे क्या है? तीन रास्ते हैं, दायां, बायां और बीच का। बीच का सुषमना का है, जिसके अंदर से सूरत को जाना है। त्रिबेणी के संध समाओ, भोर उतर चल पारा है। ये सूक्ष्म इशारा दिया गया है, वर्णन तो बहुत लंबा है। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं, पूरब होए पच्छम को तावै, रवि सस दोहा इकतर मिलावै, पच्छम से जो चढ़े सुमेर, आवे पर दक्षिण के फेर, पुरिया सात ऊपर कमल आसन, तिथै पार ब्रह्म का आसन, जिन हीरे रत्ने लाल परोई, नानक कहे उदासी सोई। यही अन्य महात्मा कहते हैं कि दायां और बायां रास्ता छोड़ दो, बीच के सुषमना के रास्ते से चलो और जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ। क्या पता है कब चले यानी मर जाना है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कंवल
दल जगमग होई। जब सतगुरु का ध्यान करते हुए अंदर जाओगे, सूरज चंद्रमा का मंडल पार करोगे, तो ऊपर से 10 किस्म की धुनें आएंगी। उनमें कशिश है, आप उनमें से घंटे और शंख की धुन पकड़ लो। जो सहंसदल कमल है, वहां हजार बत्ती की बहुत खूबसूरत ज्योत है। बहुत सारे योगी उस ज्योत पर मस्त हुए बैठे हैं। उनका ये आखिरी देश है। ता मध करता निरखो सोई, बंक नाल धस पारा है। जिनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, ये सहस्तल कमल उनका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। राम कृष्ण उसके अवतार हैं, वे इसी जगह यानी स्टेशन से आते हैं। जब योगी सहस्तल कमल को पार कर लेते हैं और आगे जाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर एक रग है जो बाल के 10वें हिस्से से भी बारीक है। वो एक साइफन है, चाहे उसको सुरंग कह लो। ये ब्रह्म और सहस्तल कमल के बीच एक टेढ़ा रास्ता है, उसके अंदर से रूह अपने आप नहीं निकल सकती। जब गुरु नानक देव जी मक्का रुकनुद्दीन के पास गए, उसने सवाल किया कि खुदा कहाँ रहता है, उसका महल किसके जैसा है, महल के कितने दरवाजे हैं, कितने बुर्ज हैं, कितने कंगूरे हैं। वहां गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि खुदा इंसानी वजूद में रहता है। इस महल के 12 बुर्ज हैं, 3 सीधे हाथ के यानी एक हाथ, दूसरा हाथ से कोहनी तक, तीसरा कोहनी से कंधे तक, 3 उल्टे हाथ के, 3 दाईं टांग के, 3 बाईं टांग के, 9 दरवाजे हैं, आंखें कान नाक वगैरह, और 52 कंगूरे हैं, 20 नाखून और 32 दांत। फिर कहते हैं, उच्चे खासे महल ते देवे बांग खुदाए, सुत्ते बांग न सुन सकन, रहया खुदाए जगाए। ऐ रुकनुद्दीन, जो आवाज ऊपर से आती है वो बुलाती है, मगर लोग सोए हुए हैं, सुनते नहीं। फिर कहते हैं, सुत्ती पई निपाग सब सुने न बांगा कोए, जो जागे सोई सुने साईं संधि सोए। कि सारी दुनिया सोई हुई है, जिस पर मालिक दया करे उसको जगा देता है। फिर कहते हैं, राह खुदाए पी हावला वालों 10वें पाए, हाथी जाए न सकनी हम में रखे अड़ाए। कि वो बाल से भी बारीक रास्ता है, मन हाथी है, इस बारीक रास्ते से कैसे निकल सकता है। जब ये मन बारीक नम्र और निर्मल हो जाए तब निकल सकता है। डाकिनी साकिनी बहो किलकारे, जम किंकर धर्म दूत हंकारे, अब सहस्तल कमल में बेशुमार रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां हैं। फिर ऐसी ऐसी खूबसूरत स्त्रियां हैं जिनका नमूना दुनिया में नहीं। इसी तरह स्त्रियों के लिए भी खूबसूरत मर्द हैं। जो स्त्रियां यहां कायम नहीं रहती, वे वहां पर कैसे बच सकती हैं। इसी तरह जो मर्द यहां कायम नहीं रह सकते, वे वहां कैसे बच सकते हैं। इसीलिए यहां सत्संग में ये शिक्षा दी जाती है कि मन इंद्रियों को काबू में रखो। जिसका मन यहां काबू में नहीं, जब वो अभ्यास करके अंदर जाता है, तो वे कहती हैं कि तू ये भजन सुमरन छोड़ दे, हम तुझे बादशाह बना देंगी। अगर स्त्री है तो कहती हैं कि हम तुझे महारानी बना देंगी। क्योंकि सतगुरु साथ होता है, इसलिए वो अपने शिष्यों को इधर फंसने नहीं देता। सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। बस सिर्फ जो मंत्र सतगुरु देता है उसको जपो, कोई पास नहीं आएगा। ना यमदूत पास आते हैं, ना धर्मराय पास आता है, और ना काल नजदीक आता है।
गगन मंडल विच उर्ध मुख कुइया गुरमुख साधु भर भर पिया कहते हैं ये ब्रह्म का देश है जिस तरह सहस्रदल कमल में अमृत बरसता है इसी तरह त्रिकुटी में भी अमृत बरसता है अब हमें उल्टी चढ़ाई करनी है यही सप्तऋषि ने वाल्मीकि को शिक्षा दी थी कि उल्टा नाम जप गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना कि उल्टा नाम जप कर वाल्मीकि ब्रह्म में पहुंच गया लोग कहते हैं कि राम राम का उल्टा मरा मरा कहकर ब्रह्म में पहुंच गया ये गलत है जब हम ब्रह्म में पहुंच गए वहां एक उल्टा कुआं है जिसमें अमृत है जब अमृत पिया जन्मों जन्मों की आशा तृष्णा की प्यास बुझ गई जो वहां पहुंचे वो साध है रंगे हुए कपड़े पहनने वाले का नाम साध नहीं घर बार छोड़ने वाले का नाम साध नहीं बल्कि वहां पहुंचने वाले का नाम साध है निगुरे प्यास मरे बिन किया जाके ही ये अंधियारा है कहते हैं जिन जिन को कोई गुरु मिला उसने नाम दिया ये मेहनत करके अंदर गए ये दौलत उनके लिए है जो अंदर नहीं गए उनके लिए नहीं वैसे ये दौलत चोरों ठगों और अन्य ऐब पाप करने वालों के अंदर है मगर उनको कोई कदर नहीं पहाड़ों में हजारों लाखों हीरे जवाहरात हैं मगर वहां उनका कौड़ी जितना भी मूल्य नहीं जब जौहरी की दुकान पर लाए गए तो उनकी हजारों लाखों रुपए कीमत आंकी गई त्रिकुटी महल में विद्या सारा घनहर गर्जे बजे नगारा कहते हैं ब्रह्म विद्या का भंडार है ब्रह्म में से सृष्टि पैदा हुई है यही पालता है और यही फिर मिटाता है यहां मातलोक में स्थूल माया है सहस्रदल कमल में सूक्ष्म माया है और ब्रह्म में कारण माया है माया के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती वहां त्रिकुटी में जो धुन उठ रही है बहुत मनमोहिनी है जिस तरह मृदंग में से अति प्यारी गूंज निकलती है या जिस तरह बादलों के गरजने की मीठी मीठी आवाज लाल बरन सूरज उंजियारा चतुर कंवल मंझार शब्द ओंकारा है जिस तरह सुबह के सूरज की रोशनी लाल होती है इस देश का सूरज भी लाल है इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठा कर लो तो वहां का एक सूरज बनता है परमेश्वर ने आदमी के अंदर इतनी रोशनी रखी है पर इस बेचारे को क्या खबर यहां चार दल का कमल है जो चार वेदों के ऋषियों ने चार महावाक्य लिए हैं वो यहां से लिए हैं मगर वहां जबान नहीं बल्कि वो ना लिखी जाने वाली और ना बोली जाने वाली धुन है जो सारी दुनिया को ताकत दे रही है चार वेद चार धुने हैं जिनका जबान से वर्णन किया गया मगर असलियत बयान नहीं की जा सकती साध सोई जिन यह गढ़ लीना नौ दरवाजे परगट चीना जो अपनी रूह को नौ द्वारों में से निकाल कर सहस्रदल कमल में ले आए फिर सहस्रदल कमल में से निकालकर ब्रह्म से ऊपर यानी पार ब्रह्म में ले आए वही साध है जो पूर्ण साधना करे वही पूर्ण साधु है सिर्फ रंगे हुए कपड़े पहनने से साधु नहीं बन जाता दसवां खोल जाए जिन दीना
जहाँ कुफल रहा मारा है, आगे से तो सुन है भाई, मानसरोवर पैठ अनाई। अब दसवां द्वार आ गया, इसकी रोशनी सफेद है। वहां पर एक तीर्थ है जिसको कबीर साहब मानसरोवर कहते हैं, और उपनिषदों को मानने वाले ऋषि मुनि उसे प्रयाग और त्रिवेणी कहते हैं। आदमी के अंदर ही गंगा है, अंदर ही यमुना है, अंदर ही सरस्वती है। जहां पर इनका संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं। ऋषि मुनियों ने अंदर देखा है, लेकिन लोगों ने बाहर गंगा यमुना सरस्वती के संगम का नाम प्रयाग रख दिया। जब वाल्मीकि अभ्यास करके सूरत को ब्रह्म में ले गए, अंदर की कुल रचना देखी, तब रामचंद्र जी की पैदाइश से 10,000 साल पहले रामायण बनाकर रख दी। अब काल भगवान ने देखा कि मेरा सिस्टम इंतजाम खराब हो जाएगा, तब उसने ऐसी रचना रची ताकि दुनिया बाहर ही बाहर रह जाए, अंदर ना जा सके। इसलिए दुनिया वाकई बाहर मुखी हो गई। अब इस रम्ज यानी भेद को कौन समझे। तुलसी साहब ने इस रम्ज को बड़ी अच्छी तरह खोला है। इस दसवें द्वार के प्रयाग को गुरु नानक देव जी अमृतसर कहते हैं। यहां जाकर मन, माया, 25 प्रकृतियां, तीनों गुण, पांचों तत्व उतर जाते हैं और आत्मा नंगी हो जाती है। वहां कोई शरीर नहीं, तब यह कहती है मैं आत्मा हूं। फिर कहती है कि मेरा परमात्मा कौन है, सतपुरुष, सतनाम है। अब जो अंदर नहीं जाते वे कैसे माने। संत कहते हैं कि आओ जीते जी ऊपर चलो, वे मरने का उधार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि अब करो, अब लो। हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी अहारा है। जहां तक माया है, माया के भोग हैं, वहां तक हमारी कौए की वृत्ति है। कौए की खुराक क्या है, विष्ठा। यहां आत्मा की खुराक क्या है, भोग। जब ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर उतार देता है, अमृतसर में नहाता है, तब इसकी हंस गति हो जाती है। वहां ना इंद्रियां हैं न मन, वहां निरोल यानी विशुद्ध आत्मा है। तब ये कहता है मैं आत्मा हूं। उस अमृत को पीकर उसमें स्नान करने पर ये ऊपर रूहानी मंजिलों पर जाने के काबिल होता है, जिस तरह आदमी बीए पास करके किसी व्यवसाय में जाने के काबिल होता है। नहीं तो ये माया के पिंजरे का तोता है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा, कहते हैं वो किसकी आवाज है। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि किंगरी और सारंगी की। यही गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, इत किंगरी ध्यान न लागै जोगी, न सच पल्लै पाए, जित किंगरी अनहद वाजे, हर स्यों रहे लिवलाए। विण वजाई किंगरी वाजै जोगी, सा किंगरी वजाए, कह नानक मुक्ति होवै जोगी, साचे रहे समाए। ए योगी, ये जो तुम्हारे बाहर के बाजे हैं, ये घंटा दो घंटा बजा लोगे फिर बंद, मगर उस किंगरी की धुन जो तुम्हारे अंदर हर वक्त हो रही है, ऊपर चढ़ो और उसको सुनो। द्वादश भानु हंस उजियारा, खटदल कंवर मंझार शब्द रंकारा है। ये 6 दल का कमल है, इसका मालिक रारंकार है। इस जगह पहुंचकर आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाती है, मगर 12 सूरज की रोशनी होने के बावजूद आत्मा आगे महाशून्य के मैदान को पार नहीं कर सकती। वहां सदगुरु अपनी रोशनी के जरिए रूह को ऊपर ले जाता है।
इस जगह का स्वामी रारंकार है। महासुन सिंध विषमी घाटी बिन सतगुर पावे नहीं बाटी। बस अब रूह पार ब्रह्म के ऊपर जिसको महासुन कहते हैं पहुंच गई। कहते हैं वहां आठ दल का कमल है, वो बड़ी ऊंची यानी विषम घाटी है, यानी आगे तिमिर खंड है, अंधेरा ही अंधेरा है। वहां आत्मा की अपनी बारह सूरज की रोशनी कुछ काम नहीं करती, लेकिन जब हम उसे पार करते हैं सतगुरु शब्द स्वरूप में हमारे साथ होता है। सतगुरु सेवक की सूरत अपने में लीन करके इस मंडल से पार करा देता है। सतगुरु का अर्थ क्या है? अंधेरे में से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जब ये एक बार अभ्यास करके सचखंड पहुंच जाए फिर इसकी अपनी रोशनी बारह सूरज की हो जाती है, फिर महासुन के मैदान से पार होने के लिए इसको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई लड़का कहे कि मैं पहले ही पढ़ा लिखा हूं, मैं उस्ताद से नहीं पढ़ूंगा, फिर उसको कौन पढ़ाए? जो कहते हैं कि हमें गुरु की जरूरत नहीं, मैं कहता हूं कि उनको परमात्मा की भी जरूरत नहीं। व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी तहां सहज अचिंत पसारा है। जिस तरह सहस्तल कमल में जिज्ञासु को विरोधी शक्तियां प्यार से समझाती हैं कि हमारा कहना मान, आगे मत जा, हम तुम्हें यहां का बादशाह बना देंगे और अन्य भोगों के सामान दे देंगे, इसी तरह यहां पहुंचकर वे विरोधी शक्तियां डराती हैं। मतलब क्या? अगर प्यार से नहीं समझा तो डरा कर बना लिया जाए। आगे तीन देश हैं, उनमें से जाने के लिए तीन ही रास्ते हैं। एक तरफ सहज द्वीप है, एक तरफ अचिंत द्वीप, हमें बीच में से जाना है। अष्टदल कंवल पार ब्रह्म भाई दहने द्वादश अचिंत रहाई। बाएं दस दल सहज समाई यों कमलन निर्वारा है। इस जगह आठ दल का कमल है, दाहिनी तरफ जो अचिंत द्वीप है उसमें बारह दल का कमल है, बाईं तरफ सहज द्वीप है जिसके अंदर दस दल का कमल है। जो जो महात्मा अंदर गया अपनी अपनी वाणी में निशानी देता गया। अब ये कबीर साहब निशानी देते जाते हैं। पांच ब्रह्म पांचों अंड बीनो पांच ब्रह्म नेह अक्षर चीनो कहते हैं महासुन के अंदर पांच बड़े बड़े भारी खंड हैं। ये हमारा खंड यानी मृत्यु लोक, उनके सामने कोई चीज नहीं। अंदर बड़े बड़े जबरदस्त खंड हैं, हर एक खंड का अपना अपना ब्रह्म है। वे खंड इस मसाले के नहीं बल्कि वह मसाला और है। हमारा ये खंड यानी मृत्यु लोक उन खंडों के मुकाबले में इस तरह है जिस तरह समुद्र के अंदर एक बाल। चार मुकाम गुप्त तहां कीनो जा मध बंदीवान पुरुष दरबारा है। आगे चार मुकाम हैं जिन्हें संतों ने अभी तक नहीं खोला, वे देखने से ही ताल्लुक रखते हैं। जो जो रूहें इन मुकामों में रहती हैं उन्हें बंदीवान कहा गया है। उन्हें यहां कोई तकलीफ नहीं सिवाय इसके कि ऊपर नहीं जा सकती, मगर उनकी आजादी का भी एक जरिया है। जिन जिन रूहों को मृत्यु लोक से संत कमाई करवा कर अपने साथ ले जाते हैं उनके आगे वो महासुन की रूहें प्रार्थना करती हैं कि अपने सदगुरु के आगे हमारी सिफारिश करो
कि हमें भी ऊपर ले जाएं। वे संत चाहें तो उन रूहों को साथ ले जा सकते हैं। अब जिन रूहों को पार ब्रह्म तक का गुरु मिला, वे वहां ही रह गईं, आगे नहीं जा सकीं। इसलिए संत कहते हैं कि पूरा गुरु ढूंढो। अब जिन्हें ब्रह्म तक का गुरु मिला, वे ब्रह्म में ही रह गईं। सो कहते हैं कि जिस तरह हम रात को लालटेन से अपना काम करते हैं, उसी तरह रूहें अपनी अपनी रोशनी से अपना काम करती हैं। उन्हें नाम का आधार है, लेकिन वे सत्पुरुष यानी सतनाम में नहीं जा सकती। दो पर्वत के संध निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। आगे दो पर्वतों के बीच में एक शहर आता है जिसे भंवर गुफा कहते हैं। हंसा करते केल उपारो, तहां गुरुन दरबारा है। वो असली सोहंग का देश है। वेदों वाले तो नीचे ही रह जाते हैं और कह देते हैं सोहंग। चीह नस्बत खाक राबा आलमे पाक, भाव धुर दरगाह की गति से मातलोक की मिट्टी का क्या मुकाबला है। सहस 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने लाल जड़ाए। कहते हैं वहां 88,000 द्वीप हैं जिनके अंदर वे रूहें रहती हैं जो कि कभी जन्म मरण के अंदर नहीं आई। उन द्वीपों और रूहों की खूबसूरती का हम वर्णन नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हीरे पन्ने और लालों की मिसाल दे सकते हैं, मगर ये तो जड़ हैं। इसके विपरीत वो कोई और चीज है। मुरली बजत अखंड सदाए, तहं सोहं झनकारा है। वहां सोहंग की आवाज है, उस स्थान को सोहंग कहते हैं। आई समझ? सोहंग का अर्थ है जो तू है सो मैं हूं। बूंद समुद्र को देखकर कहती है मैं भी उसकी अंश हूं, वो समुद्र है मैं बूंद हूं। इस तरह रूह सतपुरुष को देखकर कहती है कि मैं सतपुरुष की अंश हूं। वहां हर वक्त मुरली की धुन जारी है। सोहंग हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनि आई। बस अब आत्मा सोहंग को छोड़कर सचखंड आ गई। इस देश का मालिक सतनाम है। यहां सारी उत्पत्ति का जहूर यानी आरंभ हुआ है। बूंद समुद्र में जाकर समुद्र बन जाती है। अब सतपुरुष रूह को अपने पास नहीं रखता, बल्कि आगे अनामी में भेज देता है। सतगुरु का फर्ज आत्मा को सतपुरुष की गोद में पहुंचाना है। उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। वो देश यानी सचखंड पहले दर्जे का खूबसूरत देश है। वहां अपार सुगंध है, अपार खुशी है। मतलब ये कि वो अनंत प्रेम का देश है। उसकी इस मंडल यानी संसार में कोई भी मिसाल नहीं। षोडस भानु हंस को रूपा, बिना सत धुन बजे अनुपा। वहां जाने वाली आत्मा की अपनी रोशनी 16 सूरज की है। जब तक 16 सूरज की रोशनी नहीं हो, वहां यानी सचखंड में प्रवेश नहीं मिलता। उस दरबार में पूरे यानी 16 सूरज के नूर वाले को ही दाखिल किया जाता है।
वहां बीन की धुन हो रही है। हंसा करत चंवर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। ब्रह्म तक रचना प्रलय में मिट जाती है और सोहंग तक महाप्रलय में। ये सतनाम का देश है जहां ना प्रलय जाती है ना महाप्रलय। जब हम इस देश में पहुंच जाएंगे वहां न जन्म है न मृत्यु, न दुख है न सुख। अब जो जो सहस्तल कमल में ही रह गए वे बेचारे इस लाफानी देश की लीला को क्या समझें। जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है उन्हें BA MA की क्या खबर। कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुनि चंद्र लखोई। पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। कहते हैं कि यदि करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी इकट्ठी कर ली जाए तो भी सतपुरुष के एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर उसका सही अंदाजा क्या लगाओगे। अब ये सारे सामान परमात्मा ने इंसान के अंदर रखे हुए हैं। देखो ये कितनी कीमती मशीन है मगर दुनिया को कोई खबर नहीं। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तहां ठकुराई। अरबन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। ता पर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा। खरबन सूर रोम एक लाजा, ऐसा अगमय पारा है। देह स्वरूप सदगुरु का फर्ज है कि वो साथ होकर शिष्य की आत्मा को सतनाम की गोद में पहुंचाए। आगे सतपुरुष की अपनी ड्यूटी है कि वो उसे अपनी शक्ति देकर अनामी देश में पहुंचाए। अनामी देश सतपुरुष के पास पहुंचाकर सतनाम की ड्यूटी खत्म हो जाती है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। अब जो अनामी देश है वो बेअंत है, उसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते। अब ये 8वीं मंजिल है, ये संतों का देश है। जो वेद शास्त्र हैं वे दूसरी मंजिल पर खत्म हो गए। फिर संत उन वेद शास्त्र वालों को क्या समझाएं। संत मत को पूरे तौर पर समझ लिया जाए तो किसी मजहब की जरूरत ही नहीं रह जाती। फिर एक सत्संगी ने कहा, हुजूर जिस तरह वो अनामी पुरुष अथाह है और उसका वर्णन करने के लिए जबान बंद है, इसी तरह यहां सदगुरु के स्वरूप का वर्णन करने के लिए भी जबान बंद है, वो कुछ नहीं कह सकती। फिर महाराज जी ने फरमाया, मगर इसको हजम कर लिया करो। भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो जाने सो कहे ना कहे सो जाने नाही। ये तो हजम करने वाली बात है। ता पर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहां रहाई। जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन ते न्यारा है।
काया भेद किया निर्बारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इसके ऊपर अकह लोक है जिसको अनामी भी कहते हैं। यहां पहुंचकर सारे संत महात्मा चुप हो गए। अब कबीर साहब कहते हैं कि शरीर के अंदर जो रचना रची हुई है मैंने उसका बयान कर दिया है, ये बात समझने वाली है। आदमी के अंदर तो सब कुछ मौजूद है लेकिन विरोधी ताकतों ने उस पर पर्दा डाला हुआ है। विरोधी शक्तियां कौन सी हैं? माया और काल। जिनकी लोग पूजा करते हैं वही उन्हें खाते हैं। माया और काल हमारे रास्ते की रुकावट हैं। काल आत्मा को बना नहीं सकता, काबू में रख सकता है और आत्मा को बाहर नहीं जाने देता। वैसे स्वर्ग भी देता है, बैकुंठ भी देता है। संत आकर इसका पर्दा फाड़ देते हैं। वे कहते हैं, हे शिष्य, तुझे जीते जी प्रलय महाप्रलय से आगे सचखंड ले चलते हैं। अब काल ने क्या धोखा दिया है और माया ने क्या, ये आगे कहते हैं। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अंदर चक्रों के तीन दर्जे हैं, पहला पिंड, दूसरा अंड, तीसरा ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड के छह चक्र हैं उनका प्रतिबिंब अंड के छह चक्रों पर पड़ता है और जो अंड के छह चक्र हैं उनका प्रतिबिंब पिंड के छह चक्रों पर पड़ता है। ये माया का धोखा है। अब जो ब्रह्मांड है, संत ही वहां जीवों को ले जाएं तो ले जाएं, नहीं तो कुछ पिंड में भटक गए और कुछ अंड में, आगे नहीं गए। अब इस भेद को, इस पर्दे को संतों ने ही खोला है। वे कहते हैं कि ऐ शिष्य, आ ऊपर और देख कि माया ने क्या जाल रचा है। फिर संत इसको ब्रह्मांड में ही नहीं छोड़ देते बल्कि सचखंड में ले जाते हैं। अवगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है, बस यहां ब्रह्मांड के चक्रों का प्रतिबिंब नीचे अंड में आ गया, वहां काल ने भुला दिया। यहां पिंड में अंड का प्रतिबिंब दिखाकर माया ने भुला दिया। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दे तारी, अब अभ्यासी जिस वक्त अभ्यास करना शुरू करता है उसे क्रमवार चार चालें अपनानी पड़ती हैं। पहली चींटी चाल, दूसरी मकड़ी चाल, तीसरी मीन चाल और चौथी विहंगम चाल। पहले सुमरन द्वारा आत्मा नौ द्वारों में से बहुत धीरे धीरे निकलती है, जिस तरह चींटी बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। ये बड़ा लंबा कोर्स है। यहां प्रेम और विश्वास का काम है। अगर पूरा प्रेम और पूरा विश्वास होगा तो आत्मा ऊपर चली जाएगी। आगे मकड़ी मार्ग है। जिस तरह से मकड़ी तार के जरिए छत से नीचे उतरती है और खा पीकर फिर तार के जरिए ऊपर चढ़ जाती है, इसी तरह आत्मा जब ऊपरी मंडलों पर आना जाना शुरू करती है तो इसकी चाल तेज से तेज हो जाती है। तीसरा मीन मार्ग है। मछली चढ़ाई की आशिक है। 50 फुट की ऊंचाई से धार गिरती हो तो भी मछली फौरन चढ़ जाती है। चौथा विहंगम मार्ग यानी पंछी मार्ग है। जिस तरह पंछी एक पहाड़ से उड़ा दूसरे पर जा बैठा और दूसरे पहाड़ से उड़ा जमीन पर आ बैठा, इसी तरह यहां आंखें बंद की सचखंड चले गए, आंखें खोली और वापस शरीर में आ गए। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा विहंगम मार्ग है।
फिर कहते हैं कि ये मार्ग मुझे किसने बताया? सतगुरु ने। उन्होंने रास्ता दिखाया, मैं कमाई करके यहां आ गया। खुले एक पाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। कहते हैं अगर संतों का देश देखना है तो पिंड और अंड के दोनों देशों को छोड़ दो और ब्रह्मांड में आ जाओ, फिर सचखंड में चलो, उस देश में माया का दखल नहीं। शब्द बेहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दई तारी। खुले एक पाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है।